घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रह घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तक करना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा रीजनिंग की फर्स्ट क्लास की, जिसका मेरा टॉपिक का नाम है सादृश्य परीक्षा। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास की आपकी टूल क्लास है, तो प्लीज आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। साथ ही बता दूं ये क्लास के इनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। बेसब ट्रेडसमैन 41 रैपिड एएसएस भी ट्रेडसमैन आसाम राइफल, इन चारों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाले। तो इन चारों की यदि आप तैयारी कर रहे हो, डिफेंस सेक्टर की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो इनके आप क्लास जरूर लो। और एसएससी जेडी के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है, तो प्लीज इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही बता रहता हूँ जो बच्चा है यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहा है ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के, तो प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको डिफेंस से रिलेटेड सारी डिटेल में साथ साथ जो भी वैकेंसी आती है उसकी सारी डिटेल बताई जाती है। तो प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं आपको सादृश्य परीक्षा किसे कहते हैं। सादृश्य परीक्षा कहते हैं कि अंतर्गत किन्हीं दो वस्तुओं, शब्दों, अंकों आदि का मेल होता है। तो देखो, दो अंकों, शब्दों आदि का तो मेल होता था, दो अंक से दो शब्द अंक या जो भी हो उन्हें अलग दिया होता है, ठीक है ना, उनके उनको बीच में मेल कराना होता है कि किस प्रकार से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है, पहला टाइप आता है हमारा उपकरण व माप का, उपकरण व माप का, ठीक है। अब देखो उपकरण हर में दो में टाइप कराऊंगा, है एक टाइप लिखूंगा उसका दो उदाहरण भी आपको कराऊंगा, ठीक है। उपकरण और माप का होता है, इसके अंदर एमीटर बराबर विद्युत धारा, यानी एमीटर बराबर आपका एमीटर बराबर विद्युत धारा। देखो आपको पता होना चाहिए एमीटर किस काम में आता है, तो एमीटर आपके विद्युत की धारा मापने के काम में आता है, ठीक है ना। इसे हम एम्पियर के नाम से भी जानते हैं, एम्पियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपका एमीटर और विद्युत धारा आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे आपका जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार आपका वोल्ट मीटर संबंधित होता है। देखो जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार आपका वोल्ट मीटर संबंधित होगा। वोल्ट मीटर किससे संबंधित होगा, तो आपको पता है कि वोल्ट मीटर आपका वोल्ट से नाम से पता चलता है, तो इसका नाम होता है आपका वोल्टेज मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए, किसके लिए, विभवांतर मापने के लिए, किसके लिए, विभवांतर मापने के लिए आपका वोल्ट मीटर काम में लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, देखो इसमें कई आपके आते हैं, जैसे ऑडोमीटर गति मापने के लिए, थर्मामीटर तापमान मापने के लिए, कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने के लिए, आपका वेक्टोमीटर आपका वायुदाब मापने के लिए, आपका सुक्रोज मोटाई मापने के लिए, आपका रेगनीज वर्षा मापने के लिए, सिस्मोग्राफ आपका भूकंपमापी यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, तो यह आपका आता है, ठीक है ना। तो इनको आप यदि आप लेना चाहते हो तो इसका भी बता दूं पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ले सकते हो, यदि डाल दूं यदि आप चाहते हो तो, वरना तो देखो आप चाहते नहीं हो तो मैं नहीं डालूंगा, फिर भी बता दूं आप यदि चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अगले टाइप की, अगला टाइप आता है आपका मात्रा और इकाई का, कौन सा आता है, मात्रा और इकाई का। इस रीजनिंग की क्लास को यार ध्यान से लो, 25 में से 25 यही एक दे सकती है, ठीक है ना, 25 में से 25 यही एक दे सकती है, और कोई भी काफी नहीं दे सकता 25 में से 25 में, तो भी कभी बार एक गलत दो गलती हो पर इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। क्या आता है मात्रा और इकाई का, मात्रा और इकाई का, देखो क्या कहता है मात्रा, किसकी मात्रा और किसकी क्या इकाई। जिस प्रकार दबाव का पास्कल में आपके संबंधित है उसी प्रकार भार किस में होगा, यानी दबाव को, दबाव है पास्कल, ठीक है। जिस प्रकार दबाव को पास्कल में संबंधित है तो आपका क्या होगा, उसी प्रकार आपका भार को किस में नापेंगे, तो भार को किस में नापेंगे, और वजन को किस में नापते हो आप, यार सबको पता है केजी में या किलोग्राम में मापते हैं, किस में नापते हैं, केजी में मापते हैं, ठीक है। और एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार शक्ति का आपका हॉर्स पावर है उसी प्रकार तापमान को किस में मापेंगे, जैसे जिस प्रकार शक्ति आपको,
आपने सुना नहीं होगा क्या कि ट्रैक्टर इतनी हॉर्स पावर का है, शक्ति का आपका हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर है। जिस प्रकार आप तापमान को किसमें मापोगे कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर है, किसमें मापोगे, तो थर्मोमीटर से नहीं मापोगे, थर्मोमीटर आया कि नहीं, थर्मोमीटर से मापोगे। इसी प्रकार आप देख लो, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन से मापते हैं, आपका विद्युत शक्ति वोल्ट से मापते हैं, आपका कार्य जूल से मापते हैं, रेडिएशन आपका किलोग्राम से, बाहर आपका किलोग्राम से मापते हैं, आपकी चालकता आपका महो से मापते हैं। तो ये आपका मात्रा और इकाई का टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, छोटे छोटे टॉपिक है, सादृश्य परीक्षा में कोई बड़ी बारी बात नहीं है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ये सारे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि कोई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, जो आपको पीडीएफ सेट होती है वो तो ऐसे पढ़ा नहीं लग जाती, वो नहीं है, हर कोई पढ़ सकता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं, जो अपना बोर्ड है वो आपके सामने। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला टाइप आता है आपका अध्ययन और विषय, अध्ययन और विषय का टाइप आता है, कौन सा आता है, अध्ययन और विषय, तो किसका अध्ययन और किसका विषय है, कौन सा अध्ययन कर रहे हो आप, रीजनिंग का अध्ययन कर रहे हो कि ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हो, कि ये बात देखो को बता दू आपको। अगला टाइप आता है आप अध्ययन और विषय, ठीक है, चल देखो, अध्ययन वह विषय, अब देखो, ठीक है, बाहर आते हैं, देखो जिस प्रकार आपका बायोलॉजी का, बायोलॉजी का अध्ययन वायरस में होता है, बायोलॉजी, अब ऐसे कोरोना का अध्ययन किस में होगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी में किस में होगा, वायरस, ठीक है, वायरस, बायोलॉजी का अध्ययन वायरस में होता है, उसी प्रकार आपका जूलॉजी का अध्ययन किस में होता है, जूलॉजी, जूलॉजी का अध्ययन किस में होता है, बताओ जूलॉजी का अध्ययन किस में होता है, बताओ, जिस प्रकार वायरस से संबंधित है उसी प्रकार जूलॉजी का संबंध किससे, तो जूलॉजी का अध्ययन आप सबको पता है, जूलॉजी जिसे दूसरे पता चलता है, जंतु से, जंतु से संबंधित रहता है, कौन संबंधित रहता है, जंतु से संबंधित रहता है। उसी प्रकार आप बताओ, जैसे मान लो बोटोनी आपको किससे संबंधित रखता है, बाटनी किससे संबंधित रखता है, बाटनी किससे संबंधित रखता है बताओ, तो पौधों से, ध्यान रखना ये बाटनी पौधों से संबंध रखता है, अब ये नहीं कि आप बाटनी का नहीं पता। पाइकोलॉजी किससे संबंधित रखता है, पाइकोलॉजी शैवाल से संबंधित रखता है, ठीक है ना, पाइकोलॉजी शैवाल से संबंधित रखता है। आपका हेंटोलॉजी किससे संबंधित रखता है, तो उत्तक से संबंधित रखता है, हेंटोलॉजी, हेंटोलॉजी, हेंटोलॉजी किससे संबंधित रखता है, उत्तक से संबंधित रखता है, किससे संबंधित रखता है, उत्तक से संबंधित रखता है, हेंटोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं अगला टाइप की, अगला टाइप आता है वो व्यक्ति और उनके कार्य, व्यक्ति और उनके कार्य, देखो बात करते हैं, व्यक्ति और कार्य, जैसे भाई मैं बता दूं आपको, बहुत ही अच्छा उदाहरण बताऊं मैं इनका, तो व्यक्ति और कार्य, व्यक्ति नंबर, टाइप नंबर 4 आ गया आपका, व्यक्ति वह कार्य, 4 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया भाई, इतने 4 आ गया, व्यक्ति वह उनके कार्य, तो अंतरिक्ष का अध्ययन कौन करता है, अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आपका, अंतरिक्ष यात्री किसका अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष यात्री किसका अध्ययन करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री किसका कार्य करते हैं, आपका अंतरिक्ष में कार्य करते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में कार्य करते हैं आपका, तो अंतरिक्ष में कार्य करते हैं, ठीक है, आपको बढ़िया किस में कार्य करता है, तो बढ़िया आपका दुकान में कार्य करता है, बढ़िया किस में कार्य करता है, दुकान में, आप किस में काम करते हो, स्टूडेंट किस में काम करता था, स्कूल में काम करता है, स्कूल की पढ़ाई वगैरह करता है, ठीक है, आप किसका काम करते हो, तो आप कंपटीशन का काम करते हो,
जो भी आपका काम हो वो आपको लिखना है। अभिनेता आपका अभिनय का काम करेगा, ठीक है ना, अभिनेता मंच पर काम करेगा, अभिनय का काम करेगा, कर्मचारी आपके ऑफिस में काम करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम शिक्षक का स्कूल में काम करेंगे, नौकर घर में काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस पर भी आपका सवाल आता है, और ये सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सरल सा, कोई दिक्कत नहीं, केवल टाइप याद करो और आप सिलेक्शन लो इसमें। तो बता दो आपका टाइप नंबर 5 क्या कहता है। टाइप नंबर 5 आपका आता है, देखो टाइप नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो भी आपका नोटिफिकेशन डालू वो आपको सबसे पहले मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। भारत के 5 नंबर आता है उत्पादक और उत्पादक से, उत्पादक आपका उत्पादन और उत्पादक से, किसे, उत्पादक और उत्पाद से, यानी उत्पादक व उत्पाद, ठीक है, उत्पादक व उत्पाद। अब देखो बात आती है उत्पादक किससे, जैसे अध्यापक आपका अध्यापन का उत्पादन करता है, कवि कविता का उत्पादन करता है, आपका लेखक किसका उत्पादन करता है, लेखक आपका ये क्या बोलते हैं इसको, निबंध, जो भी आपका निबंध हो, या आपका जैसे लेखक किसका लेख का उत्पादन करता है, जो निबंध आपका लेख एक ही चीज है, लेख और निबंध एक ही चीज तो होती है भाई। आपका जैसे कसाई किसका उत्पादन करता है, तो कसाई मांस का उत्पादन करता है, भूख से जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसको तो मांस काटना पड़ेगा वहां पर, ये मत सोच रहे कि मांस नहीं कटाएंगे, बिल्कुल कटा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। नाट्य का उत्पादन करता है, ये जरूरी नहीं है कि आप मांस नहीं कटाएंगे, कटवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मांस नहीं काट सकते, काटना पड़ सकता है आपको मांस भी, ठीक है। अगला टाइप हम देखते हैं, पहला टाइप आता है व्यक्ति और कार्य और कार्य से संबंधित उपकरण, यानी कार्य और कार्य से संबंधित उपकरण, जैसे सबसे पहले तो व्यक्ति कार्य और कार्य से संबंधित उपकरण, कार्य कार्य से संबंधित उपकरण, कार्य से संबंधित उपकरण, जैसे कुक चाकू, कुक का काम चाकू से नहीं होता क्या, चाकू से कौन कहता कुक का काम चाकू से नहीं होता, मोची, मोची का काम सुवासी क्या होता है, मोची, मोची का काम सुवासी नहीं होता क्या, सुवासी भी होता है मोची का काम, जैसे नाई, नाई का काम कैंची से, जैसे नाई, नाई का काम कैंची से, ठीक है। जैसे आप बोलो खाती, खाते का काम आरे से, आरे से भी होता है आपका, एक बोलते हैं बसोला, बसोला भी बोलते हैं उसको, बसोला से बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, और जैसे आप कौन बन भाई, जैसे आपका और कौन होता है भाई, जैसे मान लो सैनिक, सैनिक बंदूक से, बंदूक से तो गोली चलता है, आप चलाने वाले हो बंदूक से, तो जो बंदूक से गोली चलाया जाता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बच्चा बॉर्डर पे जाना चाहता है, जो माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जो मैं नोटिफिकेशन डालू सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 7 लास्ट टाइप है हमारा, बिल्कुल छोटी सी क्लास कराएंगे, दिन दिन की ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, क्योंकि है ही नहीं मैटर, तो क्या क्लास कराएंगे यार, मैटर आपका बिल्कुल टाइप नंबर 7 आता है आपका छोटा सा, बिल्कुल कराऊंगा यार, पूरी जिंदगी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जरूरत नहीं है, बस फर्क इतना है कि जो बड़े यूट्यूबर है उनके पास स्मार्ट बोर्ड है, तो वो आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाते हैं, और मैं आपको यहाँ पर लिख के पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका टाइप नंबर 7 था उपकरण और उनके उपयोग, उपकरण उनके उपयोग, ठीक है। अब देखो बात करते हैं उपकरण और उनके उपयोग, बात आता है जैसे अथोड़ा, अथोड़ा का आपका कील कटाना, जरूरत थोड़ी है किसी का सर पर जैसे मारते मारना नहीं है भाई किसी को भी, अथोड़ा कील कटाना, कील कटाना, ठीक है, अथोड़ा कील कटाना आपका होता है। फिर आपका पावड़ा, खुदाई करना, कैंची, बाल काटना,
जो भी आपको यार ये सिंपल से पूछ जाते हैं और ये सिंपल सा बेसिक से आपका टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 आपके टाइप हो चुके हैं, 14-15 टाइप है जो हम पूरे कर लेंगे अगली क्लास में। प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक और अपने भाई को सलाम जरूर। यार भाई बताओ सलाम किसको कहना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे अंदर देशभक्ति की भावना भरी है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो YouTube चैनल ऑल इंडिया जॉब से जुड़ा है वो आपका सिलेक्शन हो, हर बच्चे का सिलेक्शन हो, और हर बच्चे का सिलेक्शन देने के लिए मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ। यदि आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। आप भाइयों की यही प्यार और दुआ मैं चाहता हूँ, और जितना मुझे आप प्यार दे रहे हो उससे मैं संतुष्ट हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों। Thank you.